जय हिंद। सबसे पहले मैं बता दूं, ये वीडियो इंडियन आर्मी के ऊपर है। जो लोग इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट करते हैं या इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखो और इंडियन आर्मी के लिए एक कमेंट ज़रूर करना। इस वीडियो की ज़रूरत क्यों पड़ी? इंडियन आर्मी एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया में अंडर वैल्यूड है। कोई पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी कहीं 1 लाख रुपये की हेल्प कर दे, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो कि उस सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियन के लिए बहुत छोटी सी बात है। बट एक सोल्जर अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ देश के लिए दे देता है। इससे कीमती चीज़ कोई नहीं, ज़िंदगी से कीमती कुछ भी नहीं। एक सोल्जर जिस दिन आर्मी ज्वाइन करता है, अपनी ज़िंदगी देश को दे देता है, जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। एक सोल्जर सिर्फ अपने देश के लिए, अपने घर वालों की इज्जत और खुद के लिए एक रिस्पेक्ट बनाने के लिए ज्वाइन करता है। इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग इतनी डिफ़िकल्ट होती है कि अगर आपको आपकी जान प्यारी है तो आप कभी उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। ट्रेनिंग के बाद एक स्पेशल कॉप मेंटली एंड फिजिकली इतना स्ट्रांग होता है कि 10 साल से जिम जाने वाला भी उसे फिजिकली नहीं हरा सकता। क्या आप इमेजिन कर सकते हो? 36 घंटे से आप सोए नहीं हो, ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, और कंधों पे कंटिन्यूसली 70 किलो का वज़न लेकर जा रहे हो, और आपको हमेशा अलर्ट रहना है, आँख कान नाक सब खुले रखना है, कहीं भी कभी भी कहीं से भी फायरिंग हो सकती है। एंड ये सिर्फ एक स्पेशल फोर्स का एक ट्रेनिंग सेशन है। क्यों, फट गई ना? कोई भी ऑपरेशन ऑन फील्ड सक्सेसफुल कराना एक सेलिब्रिटी, एक पॉलिटिशियन के बस की बात नहीं है। अगर आपको ऐसा पॉलिटिशियन पता है जिसका बच्चा आर्मी में है तो बताना, कॉस मुझे तो अब तक नहीं पता। आर्मी में एक आम आदमी का, गरीब का, किसान का बच्चा होता है, जो अगर आर्मी के अलावा कुछ और करे तो पैसे भी ज़्यादा कमाता, घर में अपने घर वालों के साथ अच्छे से भी रहता। ये जो 10 घंटे की नींद ले रहे हो ना और घर में बैठ के खा रहे हो, ये सिर्फ माँ बाप की वजह से नहीं तो इनकी वजह से। संडे को छुट्टी मिली तो मंडे को घर से जाने का मन नहीं करता। बेटा सोच, वो 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन बॉर्डर पर अलर्ट है और फैमिली से दूर है। उसे नहीं पता वो कल ज़िंदा रहेगा या नहीं, उसे नहीं पता वो घर वालों से मिल पाएगा या नहीं, फिर भी वो निस्वार्थ वहाँ खड़ा हुआ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, उनकी कदर करनी है, उनको वैल्यू देनी है। तो बस जिसको जो बोलना है, जो लिखना है, कमेंट में लिख देना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना। जय हिंद।